जरूरी सेवाओं जैसे कि अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर पुराने नोट इस्तेमाल करने की छूट 15 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है, लेकिन सिर्फ 500 का पुराना नोट ही चलन में आएगा। संसद मार्ग पर ये SBI बैंक है और यहाँ पर अब सभी बैंक्स में नोट्स का, पुराने नोट्स जो हैं 500 और 1000 के नोट्स, उनका एक्सचेंज बंद हो चुका है। पहले ये छूट कल यानी 24 नवंबर तक दी गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। सरकार ने फैसला किया है कि अब बैंकों में पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट के बदले नए नोट नहीं दिए जाएंगे। जरूरी सेवाओं के लिए अब केवल 500 रुपए के पुराने नोटों का ही इस्तेमाल हो सकेगा। 1000 के पुराने नोट अब केवल बैंक खातों में ही जमा हो सकेंगे। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट 30 दिसंबर तक खातों में जमा हो सकते हैं। तो आज आए हम तो बिल्कुल 2-4 लोग खड़े हुए थे बस। तो उस दिन भी काफी भीड़ थी, 8 बजे लाइन में लगे थे, 3:30 बजे नंबर आया था, लेकिन आज तो काफी मतलब कम लग रहा है। खुश, आपको खुशी हो रही होगी अंदर से? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। केंद्र और राज्यों के सरकारी स्कूलों में 2000 रुपए तक की फीस पुराने नोटों के जरिए भरी जा सकेगी। केंद्रीय और राजकीय कॉलेजों में पुराने नोट के जरिए फीस भरी जा सकेगी। 500 के पुराने नोट से प्रीपेड मोबाइल फोन का 500 रुपए तक का टॉप अप हो सकेगा। कोऑपरेटिव स्टोर से 5000 रुपए तक की खरीदारी भी पुराने नोट से की जा सकती है। किसी तरह की भीड़ नजर नहीं आ रही है। जो पैसे एक्सचेंज करने लोग आया करते थे वो अब नहीं आ रहे हैं। अब सिर्फ डिपॉजिट आप कर पाएंगे बैंक्स में और इस वजह से भीड़ में काफी कमी देखी जा रही है। कैमरामैन जय के साथ निवृत्ति मोहन, जी मीडिया, दिल्ली।